राजीव हरिओम भाटिया, जिन्हें हम आज अक्षय कुमार के नाम से पहचानते हैं, उन्होंने 9 सितंबर 1967 में पंजाब के अमृतसर में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिए थे। टाइकोंडो में ब्लैक बेल्ट पाने के बाद वो मार्शल आर्ट सीखने के लिए बैंकॉक गए थे और इसके बाद थाईलैंड में उन्होंने मुई थाई सीखने के बाद कुछ दिन बांग्लादेश के ढाका शहर में एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम भी किए थे। इसके बाद कुछ दिन उन्होंने कोलकाता में भी काम किए थे। इसके बाद जब वो मुंबई लौट आए तब उन्होंने बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया था। फिर एक दिन उनके एक स्टूडेंट के फादर उनको एक फर्नीचर शूट में मॉडलिंग करने के लिए ऑफर देते हैं और इस शूट के बाद उनको ₹5,000 फीस मिलता है, जो तभी उनके एक महीने के इनकम से भी ज़्यादा था। उन्होंने देखा कि मॉडलिंग करके वो सिर्फ 2 घंटे में उनके तभी के एक महीने के इनकम से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और यहाँ से ही वो एज अ मॉडल करियर बनाने के लिए मेहनत करना शुरू करते हैं और आज उनके प्रॉपर्टीज़ की टोटल नेटवर्थ है $150 मिलियन, जो कि इंडियन करेंसी में 973 करोड़ रुपीज़ के बराबर है। और अभी वो ऑन एन एवरेज हर एक मूवी के लिए 25 करोड़ रुपीज़ फीस चार्ज करते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्षय कुमार उन एक्टर्स में से एक है जो बहुत ही डिसिप्लिन और हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करते हैं और जिन्होंने पूरी तरह से अपने दम पर बॉलीवुड में नाम बनाया है। तो इसलिए चलिए आज उनके ही लाइफ से कुछ स्मार्ट लेसन सीख लेते हैं। कोई एक रिपोर्टर ने एक बार अक्षय कुमार को डायरेक्टली सवाल किया था कि आपके लगातार 11 फिल्म्स फ्लॉप होने के बाद भी आप कैसे हीरो के रोल पे टिके रहे। अक्षय ने हंस के उनको जवाब दिया था कि नहीं, 11 नहीं, उनके लगातार 16 फिल्म फ्लॉप हुए थे और उसके बाद भी वो हीरो के रोल पे टिके रहे। उनके कहने के मुताबिक आप दिखने में कितने अच्छे हो, कितना अच्छा एक्टिंग करते हो, उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आप कितना प्रोफेशनल हो, मतलब आप अपने काम के लिए किस हद तक पैशनेट हो। सही समय पर मूवी शूटिंग के सेट पे आना, डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक एक्टिंग करना, ये सब अगर कोई एक्टर सही से मेंटेन कर पाए तो एक ना एक दिन वो सफल होगा ही होगा। सो स्मार्ट लेसन नंबर 1, बी प्रोफेशनल। अक्षय के मुताबिक सिर्फ हार्ड वर्क की मदद से लाइफ में किसी को सफलता नहीं मिल सकता, थोड़ा सा पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है और सही वक्त की भी ज़रूरत होता है। अक्षय एक इंटरव्यू में उनके लाइफ के अनोखे एक टर्निंग पॉइंट के बारे में बात करते वक्त कहा, एक बार उनका मॉडलिंग के लिए बेंगलोर से कॉल आया था लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से वो अपना फ्लाइट मिस कर गए थे। उसी दिन ही वो फिर शाम को नटरस थिएटर में पहुंचे और वहाँ पे एक मेकअप मैन के साथ उनका मुलाकात हुआ, जिन्होंने फिर उनसे पूछा, हीरो बनना चाहते हो? अक्षय राजी हो जाते हैं और फिर यही मेकअप मैन, जो कि आज भी अक्षय के पर्सनल मेकअप मैन है, उनको डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती के पास ले जाते हैं। प्रमोद चक्रवर्ती अक्षय का पोर्टफोलियो देख के उनसे कहते हैं, तुम्हारा फोटो तो काफ़ी अच्छा ही आता है, हीरो बनना चाहते हो? अक्षय राजी हो जाते हैं और तभी प्रमोद चक्रवर्ती उनके साथ एडवांस 5,001 रुपीज़ की एक एग्रीमेंट साइन कर देते हैं। अगर उस दिन अक्षय वो फ्लाइट पकड़ के बेंगलोर चले जाते तो शायद वो एक सिंपल मॉडल बन के ही रह जाते, कभी भी बॉलीवुड के खिलाड़ी नहीं बन पाते। तो हार्डवर्क के साथ साथ सही वक्त तक पेशेंस रख पाना भी बहुत ही ज़रूरी है। सो स्मार्ट लेसन नंबर 2, पेशेंस एंड हार्डवर्क बोथ आर इम्पॉर्टेंट। अक्षय से जब पूछा गया था कि वो एक साल में कैसे 4 फिल्मों का शूटिंग ख़त्म कर लेते हैं, जहाँ पे बाकी एक्टर्स 1 या 2 फिल्म ख़त्म करने में ही मुश्किल में पड़ जाते हैं, तो तब अक्षय ने कहा, उनका कुछ सही आदत उनको उनके काम में रेगुलर रहने में हमेशा मदद करता है, जिसमें से कुछ है जैसे कि रोज़ रात को 10 बजे के अंदर सो जाना और फिर सुबह 5 बजे उठ के कुछ एक्सरसाइज जैसे कि जॉगिंग, स्विमिंग और उसके साथ साथ मेडिटेशन या उनका मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने की आदत, और दूसरा है कोई भी अल्कोहल या सिगरेट बिल्कुल भी ना पीना। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 3, बी हेल्दी बी फिट। अक्षय फिल्म के साथ साथ अपने कंट्री के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। उसमें से कुछ एग्जांपल्स है, अक्षय इंडिया के करीब हर तरह के स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत तरह से मदद करते हैं। हम में से शायद बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि इंडिया की भी एक आइस हॉकी टीम है, लेकिन लैक ऑफ फंड के लिए उन्हें कभी भी प्रमोशन नहीं मिल पाता। अक्षय आइस हॉकी टीम के डेवलपमेंट के लिए एक बार 2 करोड़ रुपीज़ डोनेट किए थे। अक्षय अपने फ्री टाइम में अभी भी महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट कराटे सिखाते हैं। एक इंटरव्यू में अक्षय ने कहा था कि अगर वो कोई एक्टर नहीं होते तो ज़रूर वो नेवी या मिलिट्री में ज्वाइन करते। देश के लिए जो वीर शहीद होते हैं उन शहीद वीरों के परिवारों को मदद करने की मकसद से इंडियन गवर्नमेंट अक्षय कुमार के प्रपोज किए हुए गए आइडिया के मुताबिक एक वेबसाइट www.bharatkebeer.gov.in बनाया है। इसी तरह से ही अक्षय और भी बहुत तरीके से अपनी देश की सेवा में खुद को एंगेज किए हैं। भारत सरकार 2009 में उनको पद्मश्री भूषण से सम्मानित भी किया है। जैसे कि अक्षय कुमार ने एक बार कहा था, एक्टर अब जैसे भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान अच्छी होनी चाहिए। सो स्मार्ट लेसन नंबर 4, लव योर कंट्री। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो लोग अक्षय के बहुत बड़े फैंस हैं
और कमेंट करके हमें बताइए कि नेक्स्ट किसके लाइफ के बारे में आप जीरो टू हीरो वीडियो देखना पसंद करोगे, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। मोर विजडम, मोर सॉल्यूशन, बेटर लाइफ।